Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 1 by Brain Root series and here is the book Literary Journeys. Today we are going to start chapter number 8 and the name is Just One Question. So let's see what is the one question. Bibo was appointed by Akbar as a poet and singer. He was one of the Navratnas. तो बीरबल को अकबर ने अपने कोर्ट में अपने राज्य में अपॉइंट किया था एज अ पोएट, पोएट के रूप में और सिंगर के रूप में. और वो क्या थे? वन ऑफ द नवरत्नास मींस अकबर के पास 9 ऐसे लोग थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, उनमें से एक थे बीरबल. तो उन्हें 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर भी कहा जाता था. ही वॉज अ क्लेवर पर्सन, वो बहुत ही चालाक थे. We shall know about Birbal's witness and smartness in this chapter. हम यहाँ पे बीरबल के बारे में पढ़ेंगे. बीरबल कितने चालाक थे, कितने स्मार्ट थे वो. We shall also learn how to answer any question smartly. और हम सीखेंगे कैसे किसी question को बहुत ही smartly answer देना चाहिए. So one day a wise man came to the court of Emperor Akbar. तो एक दिन की बात है, एक जो है बहुत ही वाइस मीन्स दयालु इंसान जो है किंग अकबर के कोर्ट में आता है. अब उस मैन ने क्या बोला? ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी. उन्होंने क्या किया? योर मैजेस्टी कौन है? यहाँ पे बादशाह अकबर की बात हो रही. तो बादशाह अकबर को उन्होंने नमस्ते बोला. अकबर ने क्या बोला? ग्रीटिंग्स, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. सो मैन ने क्या बोला? पीपल से दैट योर मिनिस्टर बीरबल इज वेरी क्लेवर. लोगों का कहना है कि आपके पास जो मिनिस्टर है बीरबल वो बहुत ज़्यादा चालाक है. आई वॉन्ट टू टेस्ट हिम, मैं उसे टेस्ट करना चाहता हूँ. कैन ही आंसर माई क्वेश्चंस, क्या वो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है. द एम्परर टर्न टू बीरबल, एम्परर बीरबल की तरफ घूमे. अकबर ने क्या बोला? बीरबल आर यू रेडी फॉर हिज टेस्ट, बीरबल क्या तुम इसके टेस्ट के लिए रेडी हो. तो बीरबल ने बोला येस योर मैजेस्टी. योर मैजेस्टी मीन्स किंग अकबर. सो उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं किसी भी टेस्ट के लिए रेडी हूँ. द वाइस मैन देन टर्न टू बीरबल, वो जो वाइस मैन था वो बीरबल की तरफ घूमता है और उससे पूछता है. मैन सेज डू यू वॉन्ट टू आंसर 100 ईजी क्वेश्चन और डू यू वॉन्ट टू आंसर जस्ट 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन. सो मैन ने बोला कि बीरबल क्या तुम मेरे 100 इजी क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हो या फिर 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो, बताओ तुम्हारी मर्जी है. या तो मैं तुमसे 100 क्वेश्चन पूछूंगा जो काफी इजी होंगे या फिर एक ही क्वेश्चन पूछूंगा और वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा. तो आंसर तुम बताओ कि तुम कौन से क्वेश्चन का आंसर देना चाहोगे. द एम्परर एंड बीरबल वर इन अ हरी, एम्परर को भी जल्दी थी बीरबल को भी जल्दी थी. सो बीरबल गेव अ क्विक रिप्लाई, तो बीरबल ने एकदम फटाक से क्या जवाब दिया? आस्क मी 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन, मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछना जो डिफिकल्ट हो. द वाइस मैन टुक हिम टू अ बास्केट फुल ऑफ चिकन, अब वो जो आदमी था वो एक बास्केट में बहुत सारे छोटे छोटे चिकन थे तो उससे भरा हुआ बास्केट ले आया. अब मैन ने पूछा दीज आर माई चिकन, ये मेरे चिकन हैं. आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट देम, इनके बारे में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. तो बीरबल ने कहा ओके. मैन ने क्या बोला? विच केम फर्स्ट इन टू द वर्ल्ड, द चिक और द एग. तो उस मैन ने बोला कि ये बताओ कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडे आए, कौन पहले आया. सो बीरबल थॉट फॉर अ वॉइल, अब बीरबल जो है थोड़ी देर सोचने लगते हैं. देन ही रिप्लाइड, उन्होंने कहा द चिक मीन्स मुर्गी पहले आई. मैन ने कहा हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता. बीरबल स्माइल, बीरबल हंसने लगे. तो बीरबल ने कहा यू अग्रीड टू आस्क ओनली 1 क्वेश्चन, आपने कहा था कि आप मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछोगे एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट, और आपने वो क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया है. और वो क्या था क्वेश्चन? कि मुर्गी पहले आया या फिर अंडा. सो अब बीरबल ने कहा आपने तो वो क्वेश्चन पूछ लिया, अब आप दूसरा क्यों पूछ रहे हो कि तुम्हें कैसे पता कि मुर्गी पहले आई.
मैन सेड दैट इज वेरी क्लेवर. बीरबल तो बहुत ही क्लेवर हैं, चालाक हैं. बीरबल ने क्या बोला? थैंक यू. बीरबल एंड द एम्परर वॉक्ड अवे. बीरबल और एम्परर वहां से चले गए. द एम्परर वॉज वेरी हैप्पी. और एम्परर बहुत ज्यादा खुश हो गए. तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी. योर मैजेस्टी मीन्स एम्परर एंड किंग आर ऑलवेज एड्रेस्ड लाइक दिस. तो योर मैजेस्टी किसे बोलते हैं? एम्परर को या फिर किसी किंग को. अग्रीड का मतलब होता है एज एक्सेप्टेड और डिसाइडेड अर्लियर. किसी चीज को पहले से एक्सेप्ट या फिर डिसाइड कर लेना. इजी मीन्स सिंपल. क्लेवर मीन्स स्मार्ट. टेस्ट का मतलब है टू चेक. वाइज इंटेलिजेंट. डिफिकल्ट का मीनिंग है हार्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज चिल्ड्रेन. Comprehension is a first part and here we are going to do a exercise which is multiple choice questions. So the first question is, what can I do for you? Who said? किसने बोला मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बीरबल ने, अकबर ने, द वाइस मैन ने या फिर द कोर्टियर ने? सो अकबर ने उस वाइस मैन से पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? I want to test him. Who said? मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ. किसने बोला? बीरबल ने, अकबर ने, जो वाइस मैन था उसने या फिर एक पुजारी ने, सेंट ने? सो किसने कहा था? एक वाइस मैन ने. नेक्स्ट थर्ड वन, यू अग्री टू आस्क मी वन डिफिकल्ट क्वेश्चन. हु सेड? आपने बोला था कि मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछोगे. किसने बोला ये? बीरबल ने, अकबर ने, वाइस मैन ने या किसी ने? नहीं. सो आंसर इज बीरबल. बीरबल ने कहा था कि आपने कहा था कि मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछोगे. फोर्थ वन, दैट इज वेरी क्लेवर. हु सेड? दैट इज वेरी क्लेवर. किसने कहा था? द वाइस मैन ने, द कोर्टियर ने, अकबर ने या फिर बीरबल ने? सो इट वॉज सेड बाय द वाइस मैन. थैंक यू. हु सेड? थैंक यू किसने बोला? द वाइस मैन, द कोर्टियर, अकबर या फिर बीरबल? So children, the answer for the fifth question is Birbal. Next, fill in the blanks using help box. So we have to use the help box to complete the sentences. One day a wise man came to the dash of Emperor Akbar. So to the court of Emperor Akbar. Birbal agreed to answer the man's question. Let's write here question. The wise man took Birbal to a. Wise man Birbal को कहाँ लेके गया? क्या लेके आया उसके पास? To a dash full of chicken, basket full of chicken. Dash thought for a while. कौन सोचने लगा थोड़ी देर के लिए? Birbal. The dash was very happy. कौन बहुत ज्यादा खुश था? Emperor. So let's write here. Emperor. So these are your Phillips children. Now let's move on to write true or false for the following sentences. A rich man came to the court of Akbar. So yes. The correct answer is false because he was a kind man. A kind man aaya tha Akbar ke court mein. Birbal was ready for the test. Yes, true. Birbal asked for one easy question. False. Usne kaha tha difficult question poocho. The wise man took Birbal to a basket full of chicken. जो वाइस मैन था वो बीरबल के पास क्या लेके आया था? एक बास्केट जिसमें बहुत सारे चिकन थे. यस ट्रू. द एम्परर वॉज वेरी सैड. फॉल्स. एम्परर क्या था? बहुत ज्यादा हैप्पी थे. सो दीज आर द आंसर चिल्ड्रेन. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. आई होप इट्स क्लियर टू यू. यू एंजॉयड द चैप्टर एंड यू हैव लर्न दैट हाउ टू रिप्लाई अ क्वेश्चन very quickly. I'll be meeting you soon children with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.